भाई देखो रात के 1 बज रहे, मैं काफी ज्यादा डर गया था माफिया को। जब मैं सोते हुए देखा, मेरी आंख खुली, देखा माफिया को सोते हुए, मैं तुरंत उसके पास आया और पता चली माफिया घोड़े बेचकर सो रहा है। यार बहुत ज्यादा डरा दिया माफिया ने इस बार तो मुझे, और कितनी लंबी जवान निकाल के बाहर सो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस टाइम सुबह के 4:50 हो रही हैं और माफिया को मैं मॉर्निंग वॉक पे ले जाने वाला था, परंतु यार दिल्ली में काफ़ी हैवी रेन हो रही है जिसके कारण की वजह से माफिया यार सुबह वॉक पे नहीं जा पाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ हालत बाहर के, कितने बुरे हालत हो रहे हैं इस टाइम, और मौसम में बदलाव काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, अब तो थोड़ी बहुत ठंड आ चुकी है। ये देखिए सुबह का टाइम है और बारिश हो रही है काफ़ी तोबड़ताड़, लगातार बारिश हो रही है, मतलब कि 4 बजे से बारिश शुरू हुई है और इसे पूरा 1 घंटे होने वाला है, तो अभी तक बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं। तो माफिया के सुबह की मॉर्निंग वॉक मैं आज नहीं ले जाऊंगा उसे, और पूरी कोशिश करूंगा रात को ले जाने की माफिया को, ये आप देख सकते हो। अब बज रहे हैं 7, अब आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो चुकी है इस कॉलोनी की, आप देख पा रहे हो जगह जगह पानी भर चुका है एकदम। यार ये देखिए मेरे घर तक पानी भर चुका है, और आप देखो कोई आदमी आ रहा है, कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो इस कारण से माफिया को आज मैं वॉक पे नहीं ले पाया। और देखो मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा पानी ऊपर से आ रहा है यार, लगता सही से पिन्नी नहीं डली जाल पर। मैं गेट लॉक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, पूरा फर्श गीला हो चुका है, देखो जाल में से पानी आ रहा है। मैं अभी छत पर आता हूँ और सही से पिन्नी बिछाता हूँ दोबारा से ऊपर जाकर। करो गुड बॉय हैंडशेक, शेक हैंड, दूसरा वाला करो, दूसरा वाला, गुड जॉब। गुस्सा कैसे करते हैं, गुस्सा को दिखाओ, गुस्सा होकर दिखाओ, हाँ गुड बॉय, ऐसे गुस्सा करते हैं। अच्छा खुश कैसे होते हैं, हाँ बस ऐसा हो गया गुस्सा भाई, हो गया गुस्सा, अब खुश कैसे होते हैं वो दिखाओ, हैप्पी कैसे होते हैं देखो ऐसे। यार मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी, कहाँ से सीख गया, कहाँ से सीखता जा रहा है चीज़ें, मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ की ट्रेनिंग दी अपने आप ही, नेचर से गुस्सा होना, शांत होना, ये अपने आप ही सीखता जा रहा है चीज़ों को। ये देखो माफिया इस टाइम कुर्सी पे बैठने वाला है, तो इसके अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ हेडफोन, परंतु मैं इसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल रखूँगा और माफिया के मतलब ईयर पे नहीं लगाऊंगा, उससे नीचे लगाऊंगा, जिससे किसी प्रॉब्लम ना, क्योंकि इसकी कई गुना ज़्यादा शक्ति होती है उस भाई सुनने की, इसलिए इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं हेडफोन से कानों पर नहीं लगाऊंगा, कानों से थोड़ा दूर लगाऊंगा। तो टेस्ट करते हैं माफिया, देखते क्या रिएक्शन होता है। ओ भाई कितना स्मार्ट लग रहा लौंडा बच्चा, एक चश्मे की कमी है बस, ये चश्मा उतार देता है यार ये, और खा जाता है चश्मा, तो इसलिए मैं इसे पहना नहीं रहा नहीं तो भाई साहब क्या लुकिंग लगेगी माफिया की एकदम। तो यार एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम ऑस्कर भी है, काफ़ी में कमेंट में आए, पहले मैंने देखा पढ़ा भी और अभी भी कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेकर, इसका नाम दोनों मतलब दोनों ही कह सकते हो, परंतु मुझे कुछ अलग नाम रखना था इसका ऑस्कर से, क्योंकि ऑस्कर काफ़ी सारे आप जानते हो कितने सारे डॉग्स हैं, परंतु मुझे कुछ अलग ही नाम रखता, तो इसलिए इसका नाम माफिया रखा गया, सबसे अलग दिखाई दे। और ये देखिए कितना, देखो कितना घमंड होगा, ओए अभी तेरे नाम के बारे में बता, तुझे हल्का सा घमंड आ गया और ये देखो मैंने इस टाइम चालू कर दिया है फ़ोन में म्यूजिक, और माफिया काफ़ी गौर से सुनना साउंड को, देखो काफ़ी गौर से सुनना देखो, और डॉग्स का ये है मतलब डॉग्स की अलग अलग बार्किंग है, और देखो माफिया का रिएक्शन देखो, इसे लगता है बाहर से आवाज़ आ रही है, और देखो जो ईयर आप कानों पर गौर करोगे तो कान उसने पीछे की तरफ मोड़ रखे हैं, क्या साउंड तो भाई पीछे से आ रहा है हल्का सा लड़का नर्वस है भाई हमारा। हाँ देखो इसे कुर्सी बैठा दो, हाँ जब अच्छा लगेगा देखो थोड़ा, देखो ये माफिया लगा तो कुर्सी बैठ जाओ, हाँ माफिया कुर्सी बैठो, चेयर पे बैठो, एक मिनट में इसकी चेयर थोड़ी दूर लग रही है मुझे, पास करता हूँ। अगर मैं इसे रस्सी खोल दूंगा ना ये छत छत पर बक जाएगा, मुझे पता है इसकी हालत कैसी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने बांध रखा है इसे थोड़ी देर के लिए, बस 15-10 मिनट के लिए ओनली ऑन। ये देखो क्योंकि मेरे हेडफोन लेकर बक जाएगा, और हेडफोन का जो मतलब खा जाएगा इसे, पता नहीं हर चीज़ का टेस्ट लेना है हर चीज़ का। वही देखो ओहो भाई कैसे कर रहा है ये साउंड आ रहा है, तो क्या ये थोड़ा सा देखो आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस टाइम ये वाला प्ले कर रखा है साउंड आउल का, वही देखो कैसे अजीब सा रिएक्शन दे रहा माफिया, देखो मुझे दे रहा क्या सुना रहा है भाई डिंकी चीज़ सुना, और देखो माफिया चेयर पर बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ बड़े अजीब तरीके से बैठा हुआ है, देखो ये एक बार एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, मतलब गिर भी सकता है पीछे ये, कुछ उसका भरोसा नहीं है। हाँ भाई अच्छा रहा साउंड सुनना, सब काफ़ी पसंद आ रहा है आई थिंक, और देखो
जब मैं डॉग लेने सोच रहा था तो काफ़ी लोगों ने यार मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई थी कि मतलब भाई ये कलम जो कलम बहुत सारी चीज़ें बताई थी, परंतु यार मेरे को लेना था, भले मैंने कुछ भी ब्रीड पाली हो सबसे पहले तो मैंने इसकी केयर करी है काफ़ी अच्छी, आप लोगों के सामने रिजल्ट आ रही है एकदम जैसी मैंने इसकी केयर करी है। और देखो आराम से बैठ गए चेयर पर आराम से, ये देखो खाम खा लोगों ने यार सोशल मीडिया में बदनाम कर रखी इस ब्रीड को यार, कुछ भी मुझे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लगता। अरे भाई इसे काफ़ी ज़्यादा साउंड पसंद आ रहा है, अब कुछ न्यू ट्राई करते हैं माफे के साथ में, तो इसका साउंड क्या होगा यार, कॉपीराइट आ जाएगा, मैं आपको साउंड सुनाऊंगा ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं साउंड ऊपर से भी नहीं डाल सकता यार सर यार, इसलिए सॉरी यार, क्योंकि मुझे थोड़ा मुझे पता है अजीब लग रहा होगा आप लोगों को भी, परंतु क्या करें यार, पॉलिसी भी तो फॉलो करनी पड़ी, गाइडलाइंस भी तो फॉलो करनी पड़ेंगी यार हम लोगों को। और देखो माफे का सुनना भाई, भाई साहब भी सुनता रहेगा, मतलब इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है साउंड। और देखो बंद हो गया, ओ यार गुस्सा हो रहा है, ओ भाई गुस्सा हो रहा, बंद कर दो, गुस्सा हो रहा है। सो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो माफ़ी तो साउंड सुनता है मतलब आप सुनता ही रहेगा भाई, तो इसे सुनने देते हैं, सब परेशानी करते हैं, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।